बिहार में महागठबंधन टूटने के बाद से ही आरजेडी नीतीश कुमार पर हमलावर है और सृजन घोटाले के रूप में उसे नीतीश पर हमला करने के लिए एक बड़ा हथियार भी मिल गया है। इस मामले ने नीतीश को बैकफुट पर जरूर डाला, लेकिन नीतीश ने सीबीआई जांच की सिफारिश करके नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की। अब वो विपक्ष पर हमलावर भी हो रहे हैं। खुद को पाक साफ बताते हुए उन्होंने सफाई दी है कि अभी तक ऐसी कोई टकसाल नहीं बनी जो उन्हें खरीद सके। गुरुवार को जनता दल यूनाइटेड विधानमंडल दल की बैठक को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा कि इस मामले को उजागर उन्होंने खुद किया और आर्थिक अपराध इकाई को जांच सौंपी, फिर इस मामले में कई बैंकों की भूमिका देखते हुए जांच सीबीआई को दी। सीबीआई से इस मामले की जांच की अधिसूचना जारी हो चुकी है और अगले दो दिनों में एजेंसी जांच शुरू भी कर देगी। अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर नीतीश ने साफ कहा कि लोग हताशा में चाहे जो भी आरोप लगा रहे हों, लेकिन उनमें कोई दम नहीं है। नीतीश ने माना कि व्यवस्था में खामियां हैं जिसका फायदा घोटालेबाज उठा रहे थे, लेकिन अब ऐसी अचूक व्यवस्था की जाएगी जिससे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि 2003 से ही ये घोटाला चल रहा था, यानी इस तरह से भी वो विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इधर राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि इस मामले के कुछ मुख्य गवाह जो कि आरोपी भी हैं, उन्हें जहर की सुई देकर मारा जा रहा है। राबड़ी देवी का कहना था कि पूरे मामले पर लीपापोती की जा रही है। वहीं शिवानंद तिवारी ने आरोप लगाया कि सृजन घोटाला सत्ता के संरक्षण में चल रहा था। शिवानंद तिवारी ने कहा कि दो बार 2008 और 2013 में ये घोटाला किसी न किसी तरीके से उजागर हुआ, लेकिन इस मामले को जांच की आड़ में दबा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।